Hello and Assalamu Alaikum. Welcome to Alpine Academy Subject Biology Class 9th Synth Textbook Board Jamshoro. The textbook of Biology for Class 9. This is chapter number 2 of Biology. The chapter name is Solving a Biological Problem. In this unit, we are going to learn Biological Method. Scientific problem, hypothesis, deductions, and experiments, theory, law, and principle, data organization and data analysis, mathematics as an integral part of the scientific process. These are the main topics of the unit or chapter Solving a Biological Problem. These are, these are the major concepts we are going to learn further. अब चलते हैं हम रिव्यू क्वेश्चंस की तरफ जो कि हमें क्विकली आइडिया दे, दे देंगे कि चैप्टर में क्या चल रहा था और हमें किस हद तक नॉलेज ऑप्टेन हुई है चैप्टर से फर्स्ट uh, जो क्वेश्चन है वो है इन सर्कल द करेक्ट आंसर सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बायोलॉजिकल मैथड इधर हमें करेक्ट सीक्वेंस जो है वो बायोलॉजिकल मैथड का चूज करना है तो बायोलॉजिकल मैथड का करेक्ट सीक्वेंस है हाइपोथेसिस थोरी सॉरी हाइपोथेसिस रीजनिंग थ्यूरी एंड देन लॉ सो द करेक्ट आंसर इज सी फिर हमें सिलेक्ट करना है दन इसमें कुछ ऑर्ड वन सेलेक्ट करना है तो इसमें हाइपोथेसिस या थ्यूरी या लॉ है तो इसमें ऑड क्या चीज़ आ रही है रेशियो आ रही है तो इसका आंसर है डी दैट इज रेशियो थर्ड पर है फील्ड ऑफ रिसर्च दैट एग्जामिन मैथमेटिकल रिप्रजेंटेशन ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम कॉल्ड तो हमें इसमें वो फील्ड के बारे में बताना है जो कि एग्जामिन करती है मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशंस तो हमें पता है वो मैथमेटिकल बायोलॉजी है तो इसका आंसर है आंसर बी नंबर फोर पे बायोलॉजिकल मैथड इन्वॉल्व ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट मतलब बायोलॉजिकल मैथड जो है वो ये चीज़ें इन्वॉल्व करता है एक्सेप्ट वन थिंग उसको हमें फाइंड आउट करना है आंसर में तो इसका आंसर है हमें पता है कि ए देखें अगर हम तो हमें पता है डेटा कलेक्शन भी, कल तो कल भी, कल तो भी होता है बायोलॉजिकल मेथड में बी देखें तो ऑब्जर्वेशन भी होती है बायोलॉजिकल मेथड में सी देखें तो एक्सपेरिमेंट भी होता है डी देखें तो प्रोपोर्शन नहीं होता है बायोलॉजिकल मेथड में तो इसका आंसर है बायोलॉजिकल मेथड इन्वॉल्व्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट प्रोपोर्शन सो द आंसर इज डी फाइव पे हमारे पास साइंटिफिक रीजनिंग मूव्स फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल मतलब वो साइंटिफिक रीजनिंग जो स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाती है वो क्या होती है इंडक्टिव रीजनिंग तो इसका आंसर है ए वो ऑब्जर्वे नेक्स्ट है क्वेश्चन सिक्स जिसमें लिखा हुआ है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन इज़ द यूज़ ऑफ डैश मतलब ये कि हमें ये बताना है कि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो है वो किस चीज़ का यूज़ है तो हमें पता है कि जो है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो है वो यूज़ है इक्विपमेंट्स का जिसमें डिफरेंट तरीके के इक्विपमेंट्स होते हैं स्टॉप वगैरह फ्लास्क वगैरह और मेजरिंग टेप वगैरह डिफरेंट तरीके के इक्विपमेंट्स इंक्लूडेड है हमारे पास बुक में गिवन है और क्वालिटेटिव में सेंसेस हैं तो यहाँ पर क्वांटिटेटिव के बारे में पूछ रहे हैं तो इसका आंसर बी है इक्वेशन स्टेट सेवन है इक्वेशन स्टेटिंग दैट टू रेशियोज आर इक्वल मतलब वो इक्वेशन जो कि स्टेट करती है कि दो रेशियोज जो है वो इक्वल है हमें पता है वो प्रोपोर्शन कहलाती है द कंपेरिजन ऑफ टू वैल्यूज इज़ कॉल्ड मतलब ये कि दो वैल्यूज़ को अगर साथ में रखे कंपेयर किया जाए तो वो क्या कहलाती हैं रेशियो प्रोपोर्शन ग्राफ रेबल तो हमें पता है कि दो वैल्यूज़ को जब हम साथ में रखेंगे और उनको कंपेयर करेंगे तो वो कहलाता है रेशियो क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ हाइपोथेसिस द सेम थिंग एज एन अनप्रूवन थ्यूरी अटेंटिव एक्सप्लेनेशन दैट कैन बी टेस्टेड एंड इज़ अ फॉल्सिफाइडल वेरीफाइबल ऑब्जर्वेशन अफेक्ट बेस्ड ऑन क्वांटिटेटिव डाटा दैट इज़ फॉल्सिफाइड तो हमारे पास हमें पता है कि अटेंटिव एक्सप्लेनेशन दैट कैन बी टेस्टेड एंड इज़ फॉल्सिफाइड इज कॉल्ड अ हाइपोथेसिस तो बी है इसका आंसर इन डेटा ऑर्गेनाइजेशन विच मैथड इज़ मोस्टली यूजफुल डेटा ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा मैथड जो है वो मोस्टली यूजफुल है तो इसका आंसर है बोथ ए एंड बी क्योंकि टेबल और ग्राफ दोनों यूज़ होते हैं डेटा ऑर्गेनाइजेशन में ये थी इन सर्कल द करेक्ट आंसर्स की पूरी पूरी जो है डिटेल्स और आंसर्स के साथ नेक्स्ट उसमें आंसर्स गिवेन है जो कि ईजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो और अपना आराम से वीडियो को पॉज करके या फिर इस तरीके से भी आप राइट डाउन कर सकते हो आंसर्स को समझ के अल्पाइन एकेडमी प्रोवाइड्स ऑनलाइन ट्यूशन for all subjects of class 9 matric first year and inter please contact us on this whatsapp number ab हमारे पास paas fill in the blanks problem solving approach of biology and other sciences called scientific method मतलब वो अप्रोच जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग हो बायोलॉजी में वो क्या कहलाती है वो कहलाती है साइंटिफिक मेथड। सॉल्यूशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम स्टार्ट विद अच्छा बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में सोल्यूशन किस जगह से स्टार्ट होता है हम सबसे पहला स्टेप लेते हैं ऑब्जर्वेशन से द की कॉम्पोनेंट ऑफ द साइंटिफिक प्रोसेस साइंटिफिक प्रोसेस का की कॉम्पोनेंट क्या था हाइपोथेसिस था तो इसका आंसर है हाइपोथेसिस वो साइंटिफिक रीजनिंग जो कि बेस्ड हो इफ दैन स्टेटमेंट में वो क्या कहलाती है डिडक्टिव रीजनिंग फाइव एंड फाइनल स्टेप ऑफ द साइंटिफिक मैथड इज डेवलपिंग मतलब वो स्टेप जो कि फाइनल हो साइंटिफिक मैथड में वो क्या क्या लाता है वो क्या लाता है डेवलपिंग कॉन्क्लूजन जिसमें कॉन्क्लूजन आ जाती है द यूनिफॉर्म और कॉन्स्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर वर्चुअली एंड इिफ्यूटिबल थ्यूरी इज लॉ एंड प्रिंसिपल इसका आंसर है लॉ लॉइन प्रिंसिपल वंस यू हैव द डाटा यू मे नीड टू परफॉर्म डैश एनालिसिस जब आपके पास एक दफ़ा डाटा आ गया है तो हमें क्या परफॉर्म करना होता है मैथमेटिकल एनालिसिस फिर है हमारे पास द इक्वेशन इज स्टेटिंग दैट टू रेशियोज आर इक्वल इज कॉल्ड वो इक्वेशन जो कि स्टेट करती है कि दो रेशियोज जो है इक्वल हैं वो क्या लाती है प्रोपोर्शन रेशियो इज कंपेरिजन ऑफ डैश वैल्यूज मतलब रेशियो डैश वैल्यूज़ का कंपैरिजन है तो हमें पता है कि वो दो वैल्यूज़ का कंपैरिजन है तो इसका आंसर है टू द कॉज ऑफ मलेरिया इज़ डैश हमें पता है प्लाज्मोडियम पैरासाइट जो है वो कॉज है मलेरिया का फिलिंद ब्लैंक्स ये कंप्लीट हो गई है इधर नेक्स्ट पेज पे जो है गिवन है आंसर्स एक साथ रिडन आप उनको देख सकते हैं और पॉज करके खुद से सॉल्व भी कर सकते हैं नेक्स्ट है हमारे पास डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स जैसे कि रेशियो बायोलॉजिकल मेथड, ग्राफ हाइपोथेसिस, लॉ इंडक्टिव रीजनिंग कंक्लूजन प्रोपोर्शन ऑब्जर्वेशन और मैथमेटिक मैथमेटिकल मॉडल्स इसमें क्विकली हमें ये बताना है कि क्विकली uh, दो से तीन लाइंस में हमें अपना आंसर बताना है अब रेशियो हमें पता है रेशियो इज अ कम्पेरिजन ऑफ टू वैल्यूज एक्सप्रेस एज अ क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकेंड दो जो है टू वैल्यूज में जो एज अ क्वेश्चन जो चीज़ कंपेयर की हुई होती है उसको हम कहते हैं रेशियो फिर सेकेंड है बायोलॉजिकल मैथड बायोलॉजिकल मैथड का सिंपल आंसर ये होगा द सिस्टम ऑफ एडवांसिंग नॉलेज बाय फार्मुलेटिंग अ क्वेश्चन कलेक्टिंग डेटा अबाउट इट थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट एंड टेस्टिंग अपोथेटिकल आंसर अबाउट लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मैथड Para third graph. Graphing is an important procedure used by scientists to display the data that is collected during a controlled experiment. For Amaripas hypothesis. A uh, hypothesis is an idea that is suggested as an explanation for a natural event, particular experience, or specific condition that can be tested through definable experimentation. Para Amaripas law. लॉ के बारे में हमें पता है कि वो एक साइंटिफिक लॉ है जो साइंटिफिक uh, लॉ जो है वो होती है जो कि यूनिफॉर्म और कॉन्सटेंट फैक्ट ऑफ नेचर होता है जो कि हाइपोथिस जो कि एक्सपेरिमेंट्स रिपीटडली विन कर जाती है वो बन जाती है फिर लॉ तो इसका आंसर है साइंटिफिक लॉ इज़ अ यूनिफॉर्म और कॉन्सटेंट फैक्ट ऑफ नेचर इट इज़ वर्चुअली एंड इफ्यूटेबल थ्यूरी बायोलॉजी इज़ शॉर्ट एंड लॉज ड्यू टू पजलिंग नेचर ऑफ लाइफ बायोलॉजी में जो है वो काफ़ी कम लॉज हैं। फिर नेक्स्ट uh, है क्वेश्चन इंडक्टिव रीजनिंग का बायोलॉजिस्ट जो है वो कलेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉब्लम और फॉर्मुलेट करते हैं हाइपोथिस बाय यूजिंग और रीजनिंग प्रोसेस ये हमें बात पहले से पता है ठीक है अब वो प्रोसेस में उन्होंने पूछा है इंडक्टिव रीजनिंग के बारे में तो इंडक्टिव रीजनिंग जो है वो मूव करती है फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल फिर है हमारे पास uh, 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 कॉन्क्लूजन द फाइनल स्टेप ऑफ द साइंटिफिक मैथड हमें पता है कि कॉन्क्लूजन जो है वो फाइनल स्टेप है साइंटिफिक मैथड का अब यहाँ पर साइंटिस्ट जो है वो कंक्लूजन बनाने जा रहे होते हैं कि क्या हुआ एक्सपेरिमेंट में और क्या उन्होंने हासिल किया तो द फाइनल स्टेप ऑफ द साइंटिफिक मैथड इज डेवलपिंग conclusion this is where all the results from the experiment are analyzed and a determination is reached about the hypothesis if your hypothesis was supported it's great if not repeat the experiment or think of other ways to improve your procedure where proportion proportion kea. proportion Jo equation is stating that two ratios are equal Pera, observation ob observation jo a statement of knowledge again through the senses joke qualitative or through the use of scientific equipment jo ke quantitative keelate last there are equations or formulas uh, sorry last mathematical models but the mathematical models can, there are equations or formulas that can predict or describe natural occurrences such as organism behavior patterns population changes over time structure of protein height of living organisms population of an endangered species bacterial growth and so on. ये था हमारा क्विकली डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स का पार्ट इसके आंसर्स जो हैं वो नेक्स्ट uh, पेजेस पे गिवन है तो आप उनको पॉज करके राइट डाउन कर सकते हैं और उनको लर्न कर सकते हैं जो यहाँ पे मैं यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं इस बुक से या इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या क्वेरी हो हम जरूर आपको रिस्पॉन्स करेंगे इसके अलावा आप हमें ई मेल भी कर सकते हैं एट अल्पाइन अकेदमी एट जी मेल डॉट कॉम अब है हमारे पास राइट शॉर्ट आंसर फॉर द फॉलोइंग थ्यूरी इज हाईली रिलायबल साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन वाई वाई बायोलॉजिकल साइंसिस नीड अ मैथमेटिकल मॉडल जॉ चार्ट शो स्टैफ्स इन्वॉल्व इन अ बायोलॉजिकल मैथड्स वाई टेबलोग्राफ इज़ नेसेसरी फॉर डाटा ऑर्गेनाइजेशन वाई एक्सपेरमेंट इज नेसेसरी फॉर थ्यूरी थ्यूरी नंबर वन क्वेश्चन नंबर वन पे चलते हैं थ्यूरी इज हाईली रिलायबल साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस मतलब थ्यूरी जो है वो हाईली रिलायबल साइंटिफिक एक्सपेनेशन क्यों है हमें इन्हें बताना है वाई क्योंकि ये यूनिफाई करती है बहुत सारे रिपीटेड ऑब्जर्वेशन्स और डेटा कलेक्टेड फ्रॉम लॉर्ड्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स तो थ्योरी जो है वो इसलिए है हाईली रिलायबल क्योंकि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के बाद जो डेटा कलेक्ट करते हैं साइंटिस्ट और बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस के बाद जब एक दफ़ा बन जाता है सब कुछ पता चल जाता है कि क्या चल रहा है तो जो है एक थ्योरी फॉर्म होती है इसलिए थ्योरी जो है वो हाईली रिलायबल साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है फिर है वाई बायोलॉजिकल साइंसेस नीड मैथमेटिकल मॉडल्स बायोलॉजिकल साइंस में मैथमेटिकल मॉडल्स की ज़रूरत क्या है बायोलॉजिकल साइंटिस्ट साइंस जो है वो मैथमेटिकल बायोलॉजी को मेजर प्रोडिक्ट और अंडरस्टैंड बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए नेचुरल फिनोमिनाज के लिए यूज़ करते हैं अब जो है क्वेश्चन नंबर थ्री जो है वो गिवन है आगे क्योंकि वो सिंपली पहले की चार्ट में से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं जो कि बायलॉजिकल मैथड के हैं तो वो आगे गिवन है हम नंबर फोर पर चलते हैं वाई टेबल और ग्राफ इज़ नेसेसरी फॉर डाटा ऑर्गेनाइजेशन मोस्ट ऑफ द डाटा साइंटिस्ट कलेक्ट एज क्वान्टिटेटिव जो भी साइंटिस्ट जो है कलेक्ट करते हैं डाटा वो क्वानिटिटेटिव होता है तो डाटा टेबल्स एंड चार्ट आर यूजली यूज टू ऑर्गेनाइज द इंफॉर्मेशन इसलिए क्योंकि क्वान्टिटेटिव डाटा होता है जो कि मोस्टली साइंटिस्ट कलेक्ट करते हैं तो डाटा टेबल्स और वो चार्ट में ही इंक्लूड हो सकता है इसलिए उसको उस इंफॉर्मेशन को उसी तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है फिर है लास्ट क्वेश्चन वाई एक्सपेरिमेंट इज़ नेसेसरी फॉर थ्योरी थ्योरी के लिए एक्सपेरिमेंट नेसेसरी क्यों है एक्सपेरिमेंट जो है वो प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस है साइंटिस्ट की ताकि वो आइडेंटिफाई कर सकें क्या रियल कॉज है प्रॉब्लम का क्योंकि एक्सपेरिमेंट जो है वो प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस है तो वो जो है आगे जाकर हमें कंक्लूजन देगा रिजल्ट देगा और हमें पता चलेगा कि प्रॉब्लम क्या थी और कहाँ थी अच्छा सबसे इसमें एक और बात हमें ये ऐड करनी होगी आंसर में कि ये जो एक्सपेरिमेंट जो है वो प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस है साइंटिस्ट का टू आइडेंटिफाई द रियल कॉज ऑफ अ प्रॉब्लम जो कि बेस करती है इंडक्टिव रीजनिंग पर और डिडक्टिव रीजनिंग पे ये जो आ, नेक्स्ट पेज पे जो है गिवन है वो स्टेप्स इन्वॉल्व इन बायोलॉजिकल मैथड ये पूरी जो स्टेप्स हैं ये बुक में भी गिवन है जो कि बायोलॉजिकल मेथड कहलाते हैं आपको कोई भी क्वेश्चन हो इस चैप्टर से रिलेटेड या इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप लोग इस ईमेल पर मैसेज कर सकते हैं हमें या इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या तो फिर नीचे कॉमेंट्स बॉक्स में आप मैसेज छोड़ें हम जरूर जवाब देंगे थैंक यू